फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसे 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया है, ए हुसैफ नाइक, बी महबूबा मुफ्ती, सी अब्दुल खादिर या डी हालिद जहांगीर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में किया चुनावी सभा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा अंतर्गत कहररिया पंचायत के उच्च विद्यालय मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल के पक्ष में आयोजित जनसभा में वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा 15 सालों में किए गए विकास कार्य सबसे प्रमुख है, साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना, हर खेत को पानी बिजली, महिला समूह एवं लड़कियों के शिक्षा के प्रति अपनी सरकार के निश्चय को दोहराया। वहीं मौके पर जदयू के कई दिग्गज व कार्यकर्ता उपस्थित सहित भारी भीड़ देखी गई। स्थित है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और आज इस चुनावी सभा में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार एनडीए प्रत्याशी श्री ललित मंडल जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता हैं कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष सुल्तानगंज श्री संजीव कुमार सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, का तो होता नहीं है कुछ न कुछ तो बाएं दाएं करने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा तो कुछ करेगा गड़बड़, लेकिन आम तौर पर देखिए कि हर जगह जो काम किया है और उसके चलते सब लोगों को इन सभी बातों का एहसास है। तो इस तरह से एक एक चीज को हम कितनी चीजों को बता देंगे, कितना ग्रामीण सड़क, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, एक एक काम, तो हर तरह से हम काम करते रहे। आपको हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सब काम तो कर दिया, कोरोना की बीमारी थी उससे बचाव के लिए उपाय, अब जो जांच हो रहा है बिहार में, ये जान लीजिए कि अब जो जांच हम लोग करवा रहे हैं वो देश में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच हुआ होता है, अब तक जो हुआ है 10 लाख की आबादी पर जितना जांच औसत, उससे भी 3000 के लगभग ज्यादा बिहार में हम लोगों ने जांच कराया। तो भाई हम काम करते हैं, कुछ लोग मेरी आलोचना ही करते रहते हैं, कुछ लोगों को आलोचना करने में पब्लिसिटी मिलती है, अपना प्रचार के लिए करते रहते हैं, करो भाई अपना प्रचार, हमको इस समय कोई दिलचस्पी नहीं, हम काम करने वाले आदमी हैं और काम करते रहे हैं, हमारा तो यकीन सेवा में है, आपने मौका दिया है, सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम तो काम करते हैं। कोई कुछ बोलता रहे हमको उसकी चिंता नहीं रहती है, कितने तरह की बातें अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं, काम करने का मौका मिला था पति पत्नी राज को, क्या काम किया, कुछ नहीं किया, ना कोई कानून का राज था, जंगल राज कायम था। बिहपुर से राजद प्रत्याशी बुलो मंडल एवं भाजपा से प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र, गोपालपुर से जदयू प्रत्याशी गोपाल मंडल व राजपा से संजीव कुमार सिंह ने किया नामांकन। 3 नवंबर को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही नामांकन की प्रक्रिया में नामांकन के 6ठे दिन बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 6ठे दिन हुए नामांकन में 153 गोपालपुर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने नामांकन दाखिल किया। राजपा के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने नामांकन दाखिल किया है।
वहीं 152 बीरपुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार उबुलो मंडल एवं भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलन ने नामांकन दाखिल किया है। बुधवार को दोपहर 1 बजे बीरपुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद शैलेश कुमार उबुलो मंडल नामांकन के लिए 2 गाड़ियों से समर्थक के साथ निर्वाचित पदाधिकारी सह भूमि उप समाहर्ता परमानंद शाह के कार्यालय के सामने उतरे एवं निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद 1:20 पर बीरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र पैदल ही अपने प्रस्तावक के साथ पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। गोपालपुर विधानसभा के जदयू प्रत्याशी नामांकन के लिए 1:35 निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। दोपहर 2:30 भाजपा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ई शैलेंद्र व बुलो मंडल हुए आमने सामने, गले मिलकर दी शुभकामनाएं। बुधवार को बीरपुर विधानसभा से नामांकन करने आए भाजपा प्रत्याशी ई शैलेंद्र और राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार उबुलो मंडल नामांकन कक्ष के गेट पर ही आमने सामने हो गए। नामांकन करने आए दोनों ही प्रत्याशी ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से गले मिले, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। नामांकन के बाद बोले भाजपा के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह, गोपालपुर में नहीं है भाजपा। भाजपा के नवगछिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह ने गोपालपुर विधानसभा में पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से कहा कि गोपालपुर में भाजपा जैसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जब से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ है, तब से नीतीश का ही गुणगान होता है। संजीव कुमार ने कहा कि युवा उनके साथ है और वे विधायक बनकर जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। राष्ट्रीय भाजपा पहली बार मैदान में उतरी है, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन दाखिल कर लिया आपने, शुरुआत अच्छी रहेगी और बहुत जोरों शोरों से होगा सारा चीज और सारी जनता इस पार्टी के साथ है और हम इस बार बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार ताबड़तोड़ जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में संजीव कुमार ने नामांकन किया है, लोगों की अपेक्षा पे कितना खड़ा उतरेंगे? 6 महीने में ये तो अगले 6 महीने में हम जनता को बता चुके हैं कि हमारे काम का जो हिसाब होगा प्रत्येक 6 महीने में डोर टू डोर हर एक जनता को मांगने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पूर्व के जो जीते हुए या पूर्व के सरकार के जो विधायक रहे हैं उस तरह का मेरा कोई काम रहेगा कि 15 साल और 20 साल, 20 साल बनाम 15 साल, जंगल राज 1 जंगल राज 2 के तरह का कोई बात नहीं होगा। हमारे काम को जनता के बीच अच्छा सर इस बार चुनाव पूछिएगा धम बोलेगा इस बार सर गोपालपुर के लिए सर क्या रहेगा सर चुनाव का? किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं सर चुनाव? किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, यही चुनाव जी। हमारे सरकार नीतीश कुमार के शासन काल जी पूर्ण रूप से काम किया, उजरे बिहार को सजाने का काम किया जी। अब बाकी जितना बचा कुचा काम है सब हम संपन्न करेंगे आने के बाद। जिला भी बनाइएगा? हाँ जिला बनाएंगे भाई, ये जिला का विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया था, जिला तो बनना निश्चित है और प्रखंड भी बनाएंगे। ढोल बच्चा सर बाढ़ कटाव की समस्या सबसे अधिक है, सारा निदान होगा। अभी भी आचार संहिता लगा हुआ है, फोन करते हैं पदाधिकारी ध्यान देते हैं, क्योंकि पब्लिक का काम है ना, तो जितना कटाव चल रहा है सबका DPR बन के पहुंच गया, तुरंत लागू होगा। सर विस्थापित जो सोहरा गांव के आसपास के, वो उनके लिए क्या किया? उनको बसाएंगे, सरकार बसाएगी, हम उसका विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे।
अब की बार दब्बू बन के नहीं रहेंगे। और सर भाजपा वाला नहीं दिख रहा है सर, एक कोटा सब भाजपा वाला था जी। हाँ। भाग गया, बहुत लेट लग गया ना। हाँ, टाइम तो लग गया। हाँ, बहुत लेट लग गया। मकनपुर चौक से नगोछिया बाजार को जोड़ने वाली सड़क की सर, ये आपके तीन बार से आप हैं सर, क्या मुद्दा है बताइए? राजद के पास क्या मुद्दा है? बुलो मंडल के पास क्या मुद्दा है? एमपी से चुनाव हारे और एमएलए में चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता था? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं होता है कि अपने एमपी से हार गए तो एमएलए से चुनाव लड़ने लगे। इसलिए यहाँ पर विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनाया। मैं भी खुद इंजीनियर, 91 में इंजीनियरिंग किया, नौकरी भी किया, उसके बाद नौकरी छोड़ के आत्मनिर्भर हो गया। हम सेल्फ काम किए, हम अपने क्षेत्र में भी, अभी चूँकि बिजली पहले क्या था, बिजली रहता नहीं था, अब बिजली से लोग आटा चक्की पर गेहूं पीस रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं, यानी कई तरह का आत्मनिर्भरता लोगों में आई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी एनडीए की सरकार, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने सब सुविधा दिया है ताकि नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने के लायक बने, ये हमारी पार्टी काम कर रही है। सर, मीडिया के माध्यम से आप मतदाताओं को क्या सूचना देना चाहते होंगे कि अपने वोटों का किस प्रकार प्रयोग करें इस कोरोना काल? देखिए, हमारे सभी लोग परिचित हैं यहाँ, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सही चीज़ को लिखिए, सही चीज़ को बताइए कि आदरणीय नीतीश जी ने क्या काम किया है। नरेंद्र, नवगछिया में छठे दिन चार ने कटाया एनआर। नामांकन तिथि के छठे दिन बीपुर एवं गोपालपुर विधानसभा से कुल चार लोगों ने एनआर कटाया है। गोपालपुर विधानसभा से तीन लोगों ने, जिनमें नवगछिया नया टोला निवासी रालोसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह निर्दलीय, हाजीपुर वैशाली निवासी अमृतेश कुमार सिंह एवं जमुनिया निवासी सुरेश भगत ने एनआर कटाया है, जबकि बीपुर विधानसभा से मात्र एक बीहपुर निवासी जाप प्रत्याशी अजमेरी खातून ने एनआर कटाया है। बीहपुर विधानसभा से कुल 10 एवं गोपालपुर से कुल 16 लोगों ने एनआर कटाया है। गोपालपुर विधानसभा से सुरेश भगत को मिला टिकट। गोपालपुर विधानसभा से लोजपा ने जमुनिया निवासी सुरेश भगत को टिकट दिया है। बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह ने 153 गोपालपुर विधानसभा का लोक जनशक्ति पार्टी का सिंबल सुरेश भगत को प्रदान किया है। वहीं पार्टी का टिकट मिलने के बाद सुरेश भगत ने दूरभाष से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 16 अक्टूबर को 11 बजे दिन में नामांकन दाखिल करेंगे। मालूम हो कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा गोपालपुर से पूर्व सांसद अनिल यादव को टिकट देने के बाद वे सुरेश भगत निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। नवगछिया भीमदास टोला में भक्ति भगत सम्मेलन। रंगरा चौक प्रखंड के आजमाबाद भीमदास टोला में भक्ति भगत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवी यादव पुजारी, दिनेश शर्मा, अशोक कुमार, पिंटू चौधरी सहित कई अन्य की भागीदारी है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया में सगे भाई व बहन की पोखर में डूबने से हुई मौत। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव में बुधवार की दोपहर जलावन लाने जा रहे सगे भाई बहन जुड़वा बच्चे पास के ही पोखर में डूब गए, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता निवल मंडल ने बताया कि सबसे पहले बेटी गुंजा कुमारी उम्र 9 वर्ष, जिसका पैर फिसल गया जिससे वह गहरे पानी में चली गई। वहीं उसको बचाने में बेटा बटेश कुमार भी पानी में कूद गया जिससे वह भी डूब गया, जिसे ग्रामीणों ने
बाहर निकाला। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर गोपालपुर पुलिस सहित प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह, पंचायत के सरपंच राजा राम मिस्त्री, देवानंद ठाकुर सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद थे। कैसे हुआ? आप ही का लड़का लड़की है दोनों? हाँ। आप ही का लड़का था? क्या नाम था लड़का का? बतीश कुमार। क्या? बतीश कुमार। एक एक लड़की थी? लड़की रोजा कुमारी। रोजा कहने का उम्र? रोजा कुमारी का उम्र? कैसे हुआ घटना? क्या किस जगह गया था? क्या करने गया था? पता नहीं, पता नहीं क्या करने के लिए, पता नहीं। अच्छा, फिर कैसे कैसे हुआ घटना? काम करने के लिए गया था। कदवा पुलिस ने 2 लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुधवार को कदवा पुलिस ने ठाकुर जी कचहरी टोला कदवा में एक महिला को 2 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला विजय सिंह की पत्नी मंगिया देवी है, जो लंबे समय से शराब का धंधा कर रही थी। नवगछिया, 1.5 साल बाद बरामद हुई शादी की नियत से अपहृत महिला। पिछले वर्ष नवगछिया के मिल्की गाँव से कथित रूप से शादी के लिए अपहृत विवाहित अनिता देवी को पुलिस ने 1.5 साल बाद बरामद कर लिया है। महिला ने बरामदगी के बाद बयान दिया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था। घर के कलह से जब वह आजीज हो गई तो अपने पति को कलह की स्थिति समाप्त करने के लिए पहल करने को कहा, लेकिन पति ने कुछ नहीं किया। इसके बाद वह घर से चली गई। वह दाई का काम करती थी। महिला 6 बच्चे की माँ है। नवगछिया SC ST मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया SC ST एक्ट के मामले में फरार आरोपी परबत्ता थाना क्षेत्र के गोनरचक निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया 3 गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की निवासी मंटू यादव एवं राहुल यादव को नवगछिया पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाने के अवर निरीक्षक राज कपूर सिंह ने दोनों को उसके घर से बरामद किया है। वहीं नवगछिया पुलिस ने मक्खा तकिया निवासी मिथुन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।